हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई मसूर दाल, जो कि इजीली बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन, और पैन को पहले गर्म होने देंगे। पैन हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ऑयल डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे हमारी प्याज, जो कि फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए। और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो हमने हमारी प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होना जो है शुरू हो चुकी है। तो उसमें अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसके साथ थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये जले ना। उसके बाद हम डालेंगे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ नमक। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम अच्छे तरीके से। जब मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। हमने इसमें डाल दिया है टमाटर, इसको हिलाएंगे। फिर अब हम इसमें डाल देंगे हमारा गरम मसाला पाउडर। और फिर हम हमारे मसाले को है जो 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें, ये मैंने ली है मसूर की दाल, जिसको मैंने हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं, इसको मैंने हल्दी और नमक के साथ बॉईल किया है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो भून चुका है। तो अब हम उसमें हमारी दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब तक ये बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से मिक्स नहीं हो जाएगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी मलाई। फ्रेश मलाई होनी चाहिए, ये लाजमी याद रखिएगा। मलाई डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और जैसे ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम हमारा फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए फटाफट से बन गई। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।